अगर आप भी किसी आईफोन में कैपकट यूज़ करते हो तो आपको पता है कि कैपकट को यूज़ करने का क्या झंझट है। इसके अंदर वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है जो कि काफ़ी एड्स दिखाता है, और आईफोन में फ्री वीपीएन कोई अच्छा सा है नहीं। मैं आपको बताऊंगा बेस्ट वीपीएन फॉर द कैपकट ऐप, और इसका सिंपल ट्रिक, बिना ऐड के आप एक ही क्लिक में वीपीएन कनेक्ट कर लोगे। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। मेरे पास है आईफोन 13 प्रो और ऑलमोस्ट जो है 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे कैपकट को यूज़ करते हुए। मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐप में वीपीएन कैसे कनेक्ट करना है एक सिंपल ट्रिक से। आप देख सकते हो मैंने भी कैपकट जो है इंस्टॉल कर रखी है। अब अगर आपको नहीं पता कि कैपकट इंस्टॉल कैसे करनी है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप चेक चेकआउट कर सकते हो, हाउ टू डाउनलोड कैपकट इन आईफोन, तो आपको फर्स्ट टॉप पर मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कैपकट जो है अभी नो कनेक्शन दिखाएगा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूँ। इफेक्ट्स में चलते हैं तो बॉडी इफेक्ट्स रोल आउट करते हैं, तो ये मेरे ऑलरेडी लोडेड हैं। अगर मैं दूसरे कनेक्ट करूँगा तो नहीं होंगी। सो अभी वीपीएन कनेक्टेड है आई बिलीव, नहीं कनेक्टेड तो फिर भी अभी जो है लोड हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं दूसरे इफेक्ट्स लोड करूँ तो वो नहीं होंगे। सो सिंपल मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप इसमें कर सकते हो नए इफेक्ट्स लोड। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे यहाँ पर इफेक्ट्स पर जाऊँ तो बॉडी इफेक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, जो बेस्ट वीपीएन है वो आपको ऐप स्टोर में मिलेगा। आपको सर्च करना है सुपर वीपीएन, जैसे कि आप देख सकते हो सुपर वीपीएन सर्च करो, सुपर वीपीएन दैट्स इट। और फिर आपको ये वाला वीपीएन नहीं, ये वीपीएन करना है वीपीएन प्रॉक्सी अनलिमिटेड शील्ड, ठीक है। इस वीपीएन को डाउनलोड करो और इसको ओपन करो। फर्स्ट टाइम जो है आपको इसे ओपन करना ही पड़ेगा, और फिर अगली बार जितनी भी हज़ारों करोड़ों बार आप कैपकट ओपन करोगे आपको वीपीएन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वीपीएन को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले ये लोडिंग हो रही है, फास्टेस्ट लोकेशन के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी अमेरिका की किसी भी जगह की लोकेशन लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हो DELDELDELAS, तो मैं यहाँ पर इसकी लोकेशन कनेक्ट करता हूँ और ये कनेक्ट हो जाएगा सक्सेसफुल। एक बार आपको किसी भी अमेरिका की कहाँ कहीं भी जगह की लोकेशन लगानी है, और फिर आप चाहे क्लियर कर दो तो आप वीपीएन, आप चाहे ऑफ है ना आपका, फॉर एग्जांपल आपने वीपीएन ऑफ कर दिया, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। आपको हर बार वीपीएन कनेक्ट करने के लिए या डिसकनेक्ट करने के लिए ऐप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सर जैसे ये मेरा जो है वीपीएन कनेक्टेड है, अब ये लोडिंग कर रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। तो आप इसे बंद कर दो, आप मतलब मैं इसको बंद कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया बंद, ठीक है। सो ये हो गया बंद, और अब देखो कि कैपकट ऐप को मैं ओपन करता हूँ तो अभी जो है मुझे नई वीडियो में इफ़ेक्ट्स मेरे लोड नहीं होंगे, ठीक है। सो जैसे मैं फ़ोटो इफेक्ट के ऊपर जाऊंगा तो ये जो मेरे इफेक्ट हैं वो नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहे हैं। सो अगर मुझे वीपीएन कनेक्ट करना है तो मुझे अब कोई भी वीपीएन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेटिंग्स में जाओ, यहाँ वीपीएन की ऑप्शन देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको स्टेटस सुपर वीपीएन का ऑफ दिख रहा है, इसको ऑन कर लो, ठीक है। आप जो है कनेक्टिंग हो गई, कनेक्ट हो गया, और अब आप लोड करोगे तो आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लोड हो जाएंगे सक्सेसफुली। यहाँ पर आप देख सकते हो इफेक्ट भी लोड होना शुरू हो गए। अगर नहीं लोड हो रहे तो आपको क्या करना है, एक बार कैपकट को क्लियर करना है और फिर से ओपन करना है। सो जैसे ही आप इस चीज़ को परफॉर्म करोगे आपके जो इफेक्ट्स हैं वो लोड होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हो इफेक्ट्स लोड हो गए। सो ये है सिंपल मेथड और बेस्ट ऐप वीपीएन फॉर दी कैपकट। और अब आपको बंद करना है वीपीएन तो आप यहीं से डायरेक्ट बंद कर दो। आपको सेटिंग्स ऐप कैपकट की काइंड ऑफ जो वीपीएन है उसकी एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सेटिंग से ही आप बंद या चालू कर सकते हो। सो दिस वाज द बेस्ट मेथड टू कनेक्ट द वीपीएन फॉर कैपकट। आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।